बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। ओके बाय, राधे राधे। सीट उड़ के देखो, लाइट के खंभे पे चली गई है, देख रहा है आपको कहाँ डाला। कहाँ डाला था और कहाँ पहुंच गई है उड़ के, कैसे उतारो इसे। लेटी थी यार मैं, और बड़ी मस्त मस्त चल रही है, अब बेड सीट में उड़ के वहां चली गई, क्या किया जाए। अनिका अनिका तो वेट कर रहे थे, खुली तो फिर अनिका ही नहीं, गेट खोला तो बेड सीट ही उड़ गई। आ रही है बिट्टू, पता है मैं नीचे लेने जाती हूँ तो बोलती हूँ मम्मा छुट्टी के टाइम मत आया करो, मैं आ जाऊँगी अपने फ्रेंड के साथ में, तभी मैं नहीं लेने जाती हूँ, यहीं से मैं देख लेती हूँ आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा ये रही बेड सीट। तो यहाँ पे मैं दाल को कर रही हूँ फ्राई, क्योंकि ये है अरहर की दाल और इसको हल्का सा तेल डाल के मैं इसको गरम कर लूँगी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, फिर दाल बनाने में मतलब एक अलग सा टेस्ट आता है, जो बोलते हैं ना सूंदी सूंदी सा, मतलब एक अलग हिस्सा ही टेस्ट है, एक बार आप लोग भी करना। और पहले लोग ऐसे ही बनाते थे, अब लोगों ने छोड़ दिया ना, डायरेक्ट मार्केट से ला के और तुरंत से बना लेते हैं, लेकिन एक बार इस तरीके से भी ट्राई करिए। बरसों से थे कितने अधूरे, जब से आए भैया जिंदगी में लग गए हैं तो कितने अधूरे। वादा है वादा, चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा, हे वादा कोरी कोरी सपने मेरे, बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा कर तुमने कर दे तुमको पूरे। चाहेंगे तुमको आप लोग कच्ची मैगी खाते हैं, ये गाय इतनी भूखड़ है, इतनी भूखड़ लगी है, सुबह मैंने इसको सब्जी पराठा बनाया, इसने दो बार खाया, ठीक है दो बार खाया, सुबह चाय के साथ भी दिया उसे, दोपहर में इसने खाया, अब इसको 5 बजे भूख लग गई है तब बना रही मैगी। मैं इधर दाल फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा तेल डाल के दाल फ्राई कर लूंगी और अभी दाल चावल बनाऊंगी, रोटियां बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा, क्योंकि तबीयत हुई है अभी पूरी तरीके से, अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई है गाइस, वीकनेस है, क्योंकि आपको पता है जब आप को क्या डायरिया होने के बाद कैसी हालत हो जाती है, बिना डिप चढ़वाए मैं फिर, लेकिन हाँ 3 दिन तक मैंने बिल्कुल रेस्ट ही किया है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अब कर रही हूँ। चलिए अनिका ट्यूशन पढ़ रही है, देखिए गाइस मैं ऐसे ही बना देती हूँ मैगी, मुझे ऐसी पसंद है मैगी, खा रही हूँ। पूजा ने बनाई थी मैगी और मैंने बनाया था दाल चावल, रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा था कि मैं रोटी बनाऊं, तो दाल चावल ही बना के हम लोग खा लिए थे। और ये हमारी कुछ पुरानी यादें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है गाइस। फिर मौसम एकदम से करवट ले लेता है और यहाँ पे हम दीदी लोग बाहर बैठे हुए थे, तो हमने कहा दीदी से मेरा व्लॉग बना दो थोड़ा सा, तो दीदी ने थोड़ा सा सूट किया था, बादल देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है ना, मस्त एकदम। और हम
यहीं पे बैठे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, तीनों माँ बेटी और पूजा। तो यहाँ पे बैठे थे, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे और फिर जाएंगे लेटने के लिए, खाना ना खा ही चुके थे, तो थोड़ी देर टहला है, फिर यहाँ पे बैठ गए थे, थक गए थे। तो कुछ ऐसा व्यू है और फिर हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट डे। तो अभी हमारे साथ में बनी रहिएगा गाइस एंड तक, तभी ब्लॉग आपको समझ में आएगा। तो मैं, ये फ्रेंडशिप डे वाला दिन है, मैं रो रही थी बाबू को मिस करके कि यार आज काश मेरे बाबू होते तो हम यहाँ नहीं होते, है ना, वही मिस करके मैं रो रही थी, पर खुद को मैंने मना लिया। चलिए फिर थोड़ी सी आप लोगों से बात करते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा है गाइस, हम आपको बाहर का दिखाते हैं चल के। और अनिका पढ़ाई कर रही है जैसे भी मैंने दिखाया, और आज है संडे, संडे को है फ्रेंडशिप डे, है ना। तो देख सकते हो ये रही मैडम, पढ़ाई कर रही है, अपना वर्क कंप्लीट कर रही है, क्योंकि अनिका के स्कूल से मुझे मैसेज आया था कि मैम अनिका का सारा वर्क जो है ना वो पूरा करवा दीजिए, और क्योंकि अनिका के टेस्ट आने वाले हैं। बाकी कपड़े देखो यहाँ पे मैंने डाले थे सूखने के लिए, बार बार जाते हैं गिर तो हो जाते हैं गंदे। गाइस मुझे आज मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, सच में क्यों रोई हूँ, क्योंकि आज मुझे बाबू की सच में यार बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आज है फ्रेंडशिप डे, और यार एक बात बोलना चाहती हूँ, पति जो आपका अच्छा है ना तो वो किसी दोस्त से कम नहीं है, क्योंकि दोस्त जो होता है, पति जो होता है, आपकी सारी चीज़ें आप बिना बोले वो समझ जाता है, और आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज़ में खुशी है उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये मौसम बहुत अच्छा है और बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल दोस्त की तरह वो आपका हाथ पकड़ के आपकी बात को समझते हैं, जैसे मेरे बाबू थे। बहुत लोगों के होंगे हस्बैंड जो कभी वो दोस्त बन जाते हैं, कभी एक माँ भी बन जाते हैं, जो आपको दर्द होता है तो आपका आपको प्यार से दवाई देते हैं, यहाँ तक खाना भी माँ की तरह खिला देते हैं, बहुत कुछ यार। तो बाबू को याद करके मैं रो रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सच में यार। किसी की भी ज़िंदगी भगवान जी ऐसी मत करियो, किसी की ना करियो, सब कुछ खराब सा लगता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था कि बाबू की कमी यार, कहीं भी चली जाओ ना, कहीं दिल लगता ही नहीं है, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करती हूँ, फिर भी उनकी याद हर वक्त आती है। सारी प्रॉब्लम हर एक चीज़ को मुझे ही फेस करना है, बस हिम्मत बनाए हूँ कि मुझे करना है, तो हिम्मत नहीं तोड़ती हूँ, कि हिम्मत जो मेरी टूट गई तो मैं सच में यार खड़ी नहीं हो पाऊँगी, नहीं खड़ी हो पाऊंगी, इसीलिए मैं नहीं रोती हूँ, नहीं कुछ लेके नहीं का अंदर है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता यार। कहने को तो बहुत सारे लोग हैं पर उनके जैसा कोई नहीं कर सकता, है ना। चलिए आप लोग अब अच्छे से फ्रेंडशिप डे मनाइए, और हम क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग अच्छे अच्छे कमेंट करना प्लीज़, एक दूसरे के साथ में वीडियोस को शेयर भी कर देना। और हम जॉब की तलाश में हैं, मुझे जल्दी से कोई जॉब मिल जाए ताकि मैं अब कोई काम करने लग जाऊँ, मेरा हो नहीं पा रहा है। आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हमारी कितनी इनकम होती, मैं एक वीडियो बना के डालूंगी, कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं कितना मंथली कमा लेती हूँ, सारा कुछ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे कर देते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए अपने हस्बैंड के साथ में, अपने दोस्त के साथ में, अपनी फैमिली मम्मी पापा जो भी हैं आपके साथ में, सबके साथ में खुश रहिए, मैं भी खुश हूँ अपनी।